अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अली ये क्या मजाक है? अरे सांप कल पकड़ा जा चुका है, अगर अभी कोई हमारे घर में आएगा और तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? चलो कपड़े बदल के आओ, जाओ और सुनो पिक्चरें थोड़ी कम देखा करो। हाँ दादी सास जी कोई मजाक नहीं है, ये सब हमने खुद को बचाने के लिए किया है। बकवास बंद करो कली, जितना कहा गया उतना करो, जाओ। काश हम भी उस नागिन जैसे बन पाते। ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या? सच में इसे मेरी हकीकत बताए क्या? पता करना होगा। इतने पैसे खर्च करके किराए पे ये कपड़े मंगवाए थे, किसी ने हमें पहनने भी नहीं दिए। कली भाभी जी, देवरानी जी। कली भाभी हमने ना दिवाली के लिए नए बंधनवार मंगवाए हैं, तो आप इससे अपने कमरे में लगा लीजिए। अरे वाह देवरानी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये हम अभी लगा लेते हैं। ठीक है भाभी, हम ये बाकी के बंधनवार बाहर लगाते हैं। इससे पहले कि तुम मेरा सच सबको बताओ, मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नियति, यहाँ क्या कर रही हो? वो बस चलो स्टोर रूम में मेरे साथ, कुछ काम है, आओ। नागिन से नौकरानी बन के रह गई हूँ, इस कली को तो मैं बहुत भी देखती हूँ। बर्तनों पे धूल कितनी जमी हुई है। नियति इधर आना। जी ये कुछ बर्तन है, इनको धो के अच्छे से रखो। हाँ दिवाली आने वाली है, प्रसाद इन्हीं बर्तनों में बनेगा। जी दादी जी, ले लो। झुमका किसका है? यानी मेरा शक सही था, ये झुमके जिसके भी हैं उसी ने मेरी और सपेरी की बात सुनी है। अरे ये बर्तन कैसे गिर गए? और ये झुमका, ये तो कली का झुमका है, ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो कली को बड़े अच्छे से पहनने के लिए दिए थे और उसने गिरा दिए। बड़ी लापरवाह होती जा रही है ये कली भी। मैं उसे देकर आती हूँ। हाँ ये तुम बर्तन जरा साफ करके रखना। मैं इस कली को छोड़ूंगी नहीं, इससे पहले किसका मुंह खुले मैं इसकी बोलती बंद कर दूंगी। देवरानी जी उतरिए, नीचे आइए। क्या हो गया? अभी आपका ध्यान कहाँ रहता है? देखिए ना फूल कितना ज्यादा कमजोर है, अभी आप गिर जाती तो।
हाय दया, देवरानी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर आप चढ़ गई हो इसलिए स्टूल इतना कमजोर हो गया है? भाभी पहले से कमजोर था। वैसे देवरानी जी थैंक यू सो मच, आपने हमें बचा लिया, वरना आज तो हमारा राम नाम ही हो जाता। हाँ भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप। अच्छा ठीक है, आप जाइए बाकी काम देख लीजिए, हम ये कर देते हैं। ठीक है, हम और काम देखते हैं, ये लीजिए। देवरानी जी ये लीजिए। थैंक यू भाभी, हम जाते हैं। इस राधिका की वजह से ना तो मैं अपना बदला पूरा कर पा रही हूँ, ना इस कली को कुछ कर पा रही हूँ। हम नागों को आंसू है कि हम बिना कारण किसी को डसते नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत छोटा है, हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है वहां तक, तो कैसे लगाएं? एक बार कोशिश करते हैं। जब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला, नजरवा के कजरवा हो। जिया लागल तमन मातल, जिया लागल तमन मातल, यहाँ बिना क्या करते हैं? अभी हम गिर जाते तो। मेरे होते हुए कैसे गिर जाती तुम? मैं हूं ना तुम्हें हमेशा संभालने के लिए। यहाँ बिना कुछ भी बोलते हैं ऐसे। थैंक यू। किस लिए? दिव्यम जी, जब हम बचपन में रोमांटिक फिल्में देखते थे ना, तो उसमें जो हीरो होता था वो हीरोइन को गोद में उठाकर डांस करता था, और हमारे वजन की वजह से हमें लगता था कि हमारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर आपने आपने हमारा ये सपना भी पूरा कर दिया, उसके लिए थैंक यू। अगर ऐसी बात है तो थैंक यू राधिका। क्यों? क्योंकि अब तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि मैं एकदम फिट रहूं और 60 साल तक तुम्हें ऐसे ही गोद में उठा के डांस करूं। अच्छी बात है दिव्यम जी, आप फिट रहिए, क्योंकि हम कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितनी भी डाइट कर ले, हमारा वजन तो कम नहीं होने वाला, पर आप डटे रहिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।